being an Indian, when we get the dates about the examination, we start our preparation. In this video, what I will do, I will give the dates. कब आपका रजिस्ट्रेशन चालू होगा, कब आपका एंड होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम होगा, रिजल्ट कब आएगा, सारी डेट्स मैं अभी से दे रहा हूँ. जितने लोगों ने पढ़ाई अभी तक चालू नहीं की है, ये डेट्स देख लो, कितने दिन बचे हुए वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे. फटाफट आपकी पढ़ाई चालू करो. एग्जाम जो है आपका महाराष्ट्र लॉ स्ट्रीम 5 ईयर्स का, इट इज़ अ मॉडरेट लेवल काइंड ऑफ अ पेपर, बट कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि अच्छे कॉलेज की सीट्स बहुत कम है और बहुत ही कम लोग को एडमिशन मिल पाता है. इनफैक्ट जितने लोग एग्जाम लिखते हैं उतने कॉलेजेस ही नहीं है महाराष्ट्र में एडमिशन लेने के लिए. तो एनी वे सीटी सेल भी बोलता है कि भाई आप सीटी में अच्छा करो, अच्छा परफॉर्म करो, अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छा स्कोर लेके आओ एंड गेट दी एडमिशन इन दी कॉलेजेस. अब अगर आपका टारगेट है जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे, रिजवी, प्रवीण गांधी, फिरोदिया कॉलेज पुणे का और भी जो दूसरे कॉलेजेस हैं, ऑलरेडी मैंने कॉलेज की लिस्ट वाला वीडियो बनाया हुआ है, काइंडली गो एंड चेक. बट हाँ, मुद्दा ये है कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए अच्छे कॉलेज में, सो सीटी में आउट ऑफ 150 120 125 का स्कोर लाना पड़ेगा. ठीक है, 115 आ रहा है तो भी आपको मिलेगा. दैट डिपेंड्स ऑन कि कितने लोगों ने परफॉर्म किया. अभी से एक नया ट्रेंड चल रहा है, सीटी ने चेंज किया है, स्कोर नहीं रिलीज करेंगे, अब वो परसेंटाइल रिलीज करेंगे. परसेंटाइल क्या होता है इसको लेके मैंने अलग से वीडियो बना दिया हुआ है, कैसे परसेंटाइल कैलकुलेट होता है वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, काइंडली गो एंड चेक द वीडियोस. बट लुकिंग एट द टाइम बैंड, जितना हमारे पास टाइम बचा हुआ है एग्जाम को लेके, फटाफट पढ़ाई चालू कर दो. अगर आप OMS वाले हो आउटसाइड महाराष्ट्र और अगर आप सोच रहे हो कि क्लैट लिखने के बाद मैं सीटी लिखूंगा, तो भाई ऑलरेडी लोग सीटी के लिए फुल फ्लेज में प्रिपरेशन चालू कर दी है. तो क्लैट के साथ सीटी की भी प्रिपरेशन, स्लैट भी लिखो, ये सारे एग्जाम में डेफिनेटली एडवाइस करता हूँ लिखने के लिए. OMS हो तो स्कोर थोड़ा ज़्यादा लाना पड़ेगा, 130 के आसपास आउट ऑफ 150. स्कोर वर्सेज परसेंटाइल को लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, काइंडली गो एंड चेक दैट वीडियो. इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है. अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीटी प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छी बात है, 12th के साथ साथ अगर सीटी प्रिपेयर कर रहे हो तो भाई आपको दोनों एग्जाम को बैलेंस करना होगा, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग डेफिनेटली होगा, बट करेंगे अपन लोग. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. और एट सबसे पहले तो सोशल मीडिया हैंडल्स लॉ एंट्रेंस को लेके जितने भी है फॉलो कर लो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको थ्रू आउट द ईयर मिलने वाली है. पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैनुअल लॉ एंट्रेंस, कुछ भी मिस नहीं करोगे आप सारे एग्जाम्स को लेके, चाहे वो क्लैट है, सीटी है, एलेट है, स्लैट है, दूसरे लॉ एंट्रेंस है, CUET के एग्जाम्स है. बाकी व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, वैसे ही आपका टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. ठीक है, अब आते हैं डेट्स को लेकर के. ये आपकी डेट्स हैं, नोटिफिकेशन आपका जनवरी मंथ में अप्रॉक्सीमेटली रिलीज करेंगे वो, क्योंकि अभी तक एग्जाम जो होता था वो अप्रैल में होता था. मतलब 2023 वाला एग्जाम अगर आप देखोगे तो अप्रैल के आसपास एग्जाम होता था, अभी ये शिफ्ट होके मई में हो गया है. और एक और चेंज किया, 3 ईयर्स का एग्जाम को उन्होंने मार्च में कर दिया, प्रीपॉन्ड किया, तो ये एक चेंजेस हुआ है. क्या क्या चेंजेस हुए उसको लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, देख लेना. इसलिए बोलो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका मिड ऑफ जनवरी, हो सकता है फैब में भी लेके जाए, बट हाँ लास्ट ईयर 2024 में जनवरी में किया था तो वो डेट पकड़ के चलते हैं. एंड करेंगे मार्च के आसपास, क्योंकि जब इनका स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एक्सटेंशन आता है, एक्सटेंशन 1, एक्सटेंशन 2, तो ये होता ही है. तो आराम से 45 डेज प्लस का विंडो मिलता है. एडमिट कार्ड आपका मई मंथ में रिलीज हो जाएगा, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ मई मंथ. एग्जाम आपका लास्ट वीक ऑफ मई 2025 में होगा, रिजल्ट आएगा जून मंथ में, और एडमिशन प्रोसेस जो कि आपका कैप राउंड है वो जून ऑनवर्ड्स चालू हो जाएगा. एज पर द स्कोर यू विल गेटिंग दी एज पर योर स्कोर यू विल बी गेटिंग दी कॉलेजेस. तो ये एक डेट्स है. मेरा आपको ये बोलना है कि इस डेट का प्रिंट आउट निकालो, स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी, ये आपका डेट है और पढ़ाई चालू करो. ओके, सो अलॉन्ग विथ CET एज आई ऑलवेज सजेस्ट कि भाई एक तो क्लैट लिख दो, CET लिख दो, स्लैट, ये तीन एग्जाम तो लिखने ही लिखने हैं. अगर आपको दिल्ली जाना है दिल्ली NLU में तो ALET सोच सकते हो, अदरवाइज अगर आप महाराष्ट्र में सोच रहे हो तो CET एंड स्लैट. क्लैट के थ्रू आपको MNLU मुंबई वाला मिल जाएगा, CET के थ्रू GLC IELTS मिल जाएगा, स्लैट के थ्रू सिम्बोसिस मिल जाएगा. तो ये 4-5 अच्छे कॉलेजेस आप देख सकते हो, इंडिया लेवल पे अच्छे कॉलेज हैं. ओके, और अगर आपको लग रहा है सिर्फ मुझे CET लिखना है, GLC IELTS और मुंबई पुणे के जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ एडमिशन चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द CET. बैचेस हमने ऑडी सेंटर पे भी लॉन्च कर दिए और लाइव भी लॉन्च किए पूरे इंडिया में. आप कहीं पे भी हो तो लाइव के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. और अगर आप मुंबई में हो सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन में तो सेंटर पे विजिट कर लो, वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली. ओके, एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ये सारे करिकुलम होंगे CET को लेकर के. एवरी ईयर वी आर राइटिंग CET, तो एक तो आपको
रिलेवेंट कंटेंट मिलता है, गाइडेंस मिलती है, मेंटरशिप प्रॉपर मिलता है, रिसोर्सेज सही मिलती है। आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, मेहनत करनी है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस अच्छे से करनी है, टेस्ट लिखना है, मॉक रिव्यू करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर आप ये चीज़ें करने के लिए रेडी हो सो वेलकम टू मेनू वन, स्टार्ट योर सीईटी प्रिपरेशन फॉर द ईयर 2025। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।